आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। अलीगंज हत्याकांड मामले में भाई का हत्यारा, भाई को एवं लूट कांड मामले में कई अन्य अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के प्रवीण सा हत्याकांड मामले में भाई की हत्यारा भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रवीण सा हत्याकांड मामले में विगत वर्षों से भाई भाई में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके कारण भाई रमेश सा ने भाई की हत्या अलीगंज चौक पर गोली मारकर कर दी थी, जिससे लोगों में दहशत हो गया था। एसएसपी आशीष भारती ने नगर पुलिस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित किया था, जिसको लेकर धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी चल रही थी। इस दौरान हत्यारा भाई रमेश शाह को अपने ससुराल गोड़ा से हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर सबौर एवं कहलगांव लूटकांड मामले में उदयन कर कई शामिल फरार अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं सबौर लूटकांड मामले में शामिल नाटू मंडल को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई कांड के मामले में संलिप्त मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अपराधी रिंकू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष पुलिस अभियान चला रही है। वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए शामिल पुलिस को पुरस्कृत भी किया गया। भाई 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 के बीच में जमीन विवाद था, जिसमें पूर्व में भी विवाद हुआ था। भाई के द्वारा यह घटना कारित की गई है। इसमें त्वरित गिरफ्तारी के लिए नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के मार्गदर्शन में और डीएसपी सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार आसूचना संकलन किया जा रहा था। जिस क्रम में यह सूचना मिली कि जो अभियुक्त है वो अपने ससुराल गुड्डा में छुपा हुआ है, और पुलिस के द्वारा अभियुक्त को उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया। उससे फिर गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ के क्रम में अभियुक्त के द्वारा जो उसका हथियार है उसके घर से उसका जो हथियार है उसको बरामद किया गया है। तो इस प्रकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो घटना में शामिल अभियुक्त और घटना में कारित करने के लिए जो हथियार उपयोग किया गया था उसको बरामद कर लिया गया है। और इसलिए जो यहाँ पे इस छापेमारी दल में जो शामिल लोग हैं उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। साथ ही साथ लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में सबौर थाना क्षेत्र में तथा कहलगांव थाना क्षेत्र में लूट कांड में जो फरार अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी की गई है। सबौर थाना क्षेत्र में 23/6/20 को एक लूट की घटना कारित हुई थी, और जिसमें जो एक फरार अभियुक्त था नाटा मंडल उसको गिरफ्तार किया गया है। 173/20 कांड संख्या में इस मामले में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोग को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। एक तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी करीब 4-5 दिन पहले हुई थी, और जो आखिरी अभियुक्त फरार था उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और साथ ही साथ कहलगांव थाना क्षेत्र के 772/19 केस संख्या जिसका अभियुक्त वीरेंद्र कुमार साह उसको भी कल गिरफ्तार किया गया। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।